रामनगरी अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिली है। दरअसल अब राम भक्त सरयू की जलधारा पर क्रूज की सवारी कर सकेंगे। अयोध्या में जटायु क्रूज का संचालन शुरू हो चुका है, जिसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। अयोध्या को भव्य दिव्य अलौकिक बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं, उसी कड़ी में आज अयोध्या को एक क्रूज की सेवा मिलने का काम हुआ है। यह 100 सीटर हमारा क्रूज है, छोटा क्रूज है, बहुत जल्दी हम लोग बड़ा क्रूज भी देने वाले हैं। और एक और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि इसके साथ ही हम लोग यूपी नेडा के साथ एक MOU किए हैं पर्यटन विभाग के साथ, तो सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज अयोध्या के लिए, काशी के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए बहुत जल्दी उपलब्ध होंगे। लेकिन हम सबका प्रयास है कि इन क्रूज के माध्यम से न सिर्फ जो अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं का सड़क का लोड कम होगा, बल्कि इसमें बैठने के बाद प्रदेश के और अयोध्या और पूर्वांचल के व्यंजनों का भी हमारे पर्यटक और धार्मिक श्रद्धालु व्यंजनों का आनंद लेंगे। बल्कि इस क्रूज के साथ जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय मंदिर हैं, उन सब का भी पूरा भव्यता और दिव्यता के साथ दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या को एक के बाद एक नई सौगात मिलती जा रही है। आज पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने सरयू की जलधारा पर क्रूज का उद्घाटन किया है। हमारे साथ अयोध्या के साधु संत मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसा रहा ये। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। एक के बाद एक अयोध्या को नई नई सौगात मिल रही है और आज क्रूज का सौगात मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हो रहा है, और ये बहुत ऐतिहासिक है, आज का दिन ऐतिहासिक है, जो कि आज एक नया अयोध्या वासियों का नया चीज़ मिला है, जो क्रूज, इस क्रूज का नाम जटाई क्रूज है, जो नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक चलेगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी अयोध्या खुश है, साधु संत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे साथ और भी साधु संत मौजूद है। महाराज जी, रामनगरी अयोध्या को एक के बाद एक नई सौगात मिलती जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे कहा गया है कि बड़े भाग मानस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, हम लोगों के बड़े भाग कहेंगे कि योगी मोदी जैसे यहाँ जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं और राज्य में हमारे योगी जी हैं, जो एक से एक बढ़ के स्वागतें अयोध्या को दे रहे हैंगे, इससे विश्व पटल के लिए आगे अयोध्या बढ़ने के लिए हमको देख रहे हैं। क्योंकि हम तो ये भी जान रहे हैं कि सरयू मैया की आरती भी पहले कुछ समय पहले नहीं चलती थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उन्हीं की कृपाएँ, जो योगी जी कृपाएँ बोलते हैं हम लोग, कि वास्तव में योगी जी कृपाएँ हैं कि यहाँ पे आरती भी हो रही है सरयू माँ की। और क्या माना जाए अयोध्या का जो है कायाकल्प हो रहा है, अयोध्या विकसित हो रही है? कायाकल्प नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को जो सौगातें मिल रही हैं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं अयोध्यावासी। और जो पर्यटक को लुभाने के लिए रामनगरी अयोध्या को एक के बाद एक नई सौगात मिलती जा रही है। रामनवमी के समय में एक मिनट अंशुमान भाई रुको वहीं पर, वो क्या राम नगरी को और करीब से दिखाने के लिए, तो ये राम भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात है। हमारे साथ और साधु संत भी मौजूद हैं, हम बात करेंगे। महाराज जी, कैसा लग रहा है राम की नगरी अयोध्या में एक के बाद एक नई सौगात? बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये सब जो है होना चाहिए, और ये जो है योगी मोदी के ही चलते हो रहा है, और है आगे भी बढ़िया होगा, इससे हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद हैं, और देश विदेश भी देख रहा है, और जो भी आएंगे वो भी जो है अपना पर्यटन करेंगे, इससे बढ़िया क्या बात है। पर्यटक मंत्री जयवीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इस वक्त हम जो ये जटाई क्रूज है, इसके ऊपर हम लोग मौजूद हैं, और सरयू की जलधारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। शाम का वक्त है, ये सरयू की जलधारा और ये जो क्रूज है इस पर जो है हम इस वक्त मौजूद हैं, और लगभग इसका किराया 300 रुपए किराया भी रखा गया है। और जो राम भक्त हैं उनको एक के बाद एक नई सौगात राम नगरी अयोध्या में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक सौगात राम नगरी अयोध्या को मिलती जा रही है। ये मैं अंदर का जो हिस्सा है, क्रूज के अंदर का हिस्सा, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वैसे आप इसको आप ही चलाएंगे? हाँ, नहीं चलाऊंगा। अच्छा, आप स्टाफ हैं? स्टाफ है। क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें? इसमें 300 रुपया किराया है, फुल AC होगी, कुछ वगैरह खाना पीना सब उसमें है। अच्छा, इसमें बैठने की क्या सुविधा है? बैठने में सब कुछ सुविधा है। कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? इसमें 50 से 60 लोग तो बैठ सकते हैं। 50 से 60 लोग। हाँ। तो ये अंदर का हिस्सा है जहाँ फुली AC की ओर इसको लगाया गया है, और हम ये दिखाना चाहेंगे आपको खबर फास्ट पर एक्सक्लूसिव।
ये जो तस्वीर है क्रूज के अंदर का, इस वक्त हम मौजूद हैं और साधु संत भी यहाँ पर, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या की बात हो और साधु संत ना हो तो ऐसा होने से, तो महाराज जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। राम नगरी अयोध्या को एक के बाद एक नई सौगात मिलती जा रही है, अब क्रूज की सौगात मिली है, तो राम नगरी को और अंदर से दिखाने के लिए प्रयास किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत अच्छा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अयोध्या के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, वो तो महान थे, उनका सब अयोध्या वासियों के लिए बहुत बढ़िया है। राम मंदिर भी बन रहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी भी बहुत अयोध्या के लिए लड़ कर रहे हैं, अभी उद्घाटन होने जा रहा। जो बात हो रही थी कि जो सूबे के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी सम्मिलित होंगे और ये क्रूज के अंदर हम मौजूद हैं। मैं आपको ये सीधी तस्वीर अयोध्या से एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये क्रूज के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर ये सिस्टम लगाए गए, यहीं से ये क्रूज चलेगा, साइड से सामने से शीशा लगाया गया जो लोगों को दिखाई देगा, बैठने की व्यवस्था ओपन एयर और जो अंदर की व्यवस्था, मैं इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से, यहाँ भी बैठने की व्यवस्था की गई है और फुली एसी, जो राम नगरी अयोध्या को बहुत ही करीब से दिखाने का भी कार्य कर रहा है। तो अब एक के बाद एक नई नई सौगात राम नगरी अयोध्या को मिल रही है।